इस दौरान उन्होंने कहा कि 70 सालों से मुसलमानों से वोट लेकर सिर्फ धोखा ही दिया गया है। इन वोट लेने वाले दलों ने कभी भी मुस्लिमों के विकास के लिए नहीं सोचा। मुसलमानों को अपना मुस्तकबिल बनाने के लिए अपनी भागीदारी लेने की आवश्यकता है। इसी के साथ ही ओवैसी ने AIMIM को बीजेपी की बी टीम बताने वाले विरोधी दलों पर भी जमकर भड़ास निकाली और कहा, देश और प्रदेश में महंगाई चरम सीमा पर है, तमाम नव युवक बेरोजगार घूम रहे हैं। तो असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार पर जमकर निशाना साधा, साथ ही साथ विपक्षी दलों पर भी वो जमकर हंगामा करते हुए नजर आए हैं। दरअसल उन्होंने कहा कि जो विपक्षी दल ये कह रहे हैं कि वो केंद्र सरकार की बी टीम है, वो सरासर गलत है। दरअसल इन 70 सालों में और जो अभी सरकार आई है, जो सत्ता में है, इन्होंने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया है, सिर्फ इनका वोट लिया है, लेकिन इनको आगे बढ़ने के लिए कुछ नहीं किया, ना ही नौजवानों के लिए कुछ किया है।